नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कल से शुरू होने वाली प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश में स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। श्री मोदी ने ओडिशा में झारसुगड़ा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री दोपहर बाद छत्तीसगढ़ में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वस्तु और सेवाकर नेटवर्क संबंधी मंत्री समूह की बैठक बेंगलुरु में चल रही है। चीन ने अमेरिका के साथ आगामी व्यापार वार्ता रद्द कर दी। उप प्रधानमंत्री अगले सप्ताह वाशिंगटन दौरे पर भी नहीं जाएंगे। असमिया फिल्म विलेज रॉकस्टार्स ऑस्कर अवार्ड 2019 के लिए भेजी जाएगी और भारतीय साइक्लिस्टों ने दिल्ली में ट्रैक एशिया कप में 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल से देशभर में शुरू हो रही आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना देश में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। आज ओडिशा में तालचेर में एक जनसभा में श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा गरीबों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत कल से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय इसकी शुरुआत हो रही है। इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को, करीब करीब 50 करोड़ लोगों को अगर गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो साल भर में 5 लाख रुपए तक का हेल्थ एश्योरेंस दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र ने बालासोर, बारीपदा, बोलांगीर, कोरापुट, पुरी और राउरकेला में चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 570 करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कटक, बरला और ब्रह्मपुर के चिकित्सा महाविद्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए भी 360 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, ताकि ओडिशा के लोगों को इलाज के लिए कहीं और न जाना पड़े। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तालचेर उर्वरक संयंत्र के जीर्णोद्वार कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संयंत्र में नवीनतम तकनीक लगाई जाएगी और इससे 36 महीनों में उत्पादन शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 13,000 करोड़ रुपए लागत वाले संयंत्र से प्राकृतिक गैस और उर्वरक के आयात में कमी आएगी और भारत इस मामले में आत्मनिर्भर हो सकेगा। उन्होंने कहा कि तालचेर जैसी उर्वरक संयंत्र परियोजनाएं भारत के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। पूर्णतया हिंदुस्तान के लिए ये नई टेक्नोलॉजी है। कोल गैसिफिकेशन के द्वारा यहां के इस काले डायमंड को एक नई टेक्नोलॉजी के द्वारा न सिर्फ इस क्षेत्र को, देश को भी नई दिशा मिलने वाली है। देश को बाहर से जो गैस लाना पड़ता है, बाहर से यूरिया लाना पड़ता है, उससे भी मुक्ति मिलेगी और बचत होगी। इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए ये रोजगार का भी बड़ा अवसर है। करीब 4,500 लोग इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस परियोजना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के शीर्ष उपक्रम मिलकर काम कर रहे हैं और यह इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि देश की सर्वश्रेष्ठ सरकारी कंपनियां मिलकर काम करने में सक्षम हैं। प्रधानमंत्री ने झारसुगड़ा में हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे से पश्चिमी ओडिशा भी देश के विमान सेवा वाले क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा और उड़ान योजना के जरिए यहां से क्षेत्रीय विमान सेवा उपलब्ध हो सकेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि संपर्क सुविधा बढ़ने से ही सर्वांगीण विकास संभव है और सरकार देशभर में संपर्क सुविधा बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि भारत का विमान क्षेत्र तेजी से बदल रहा है। इस एक वर्ष में नए 950 हवाई जहाज का ऑर्डर बुक हुआ है। हम लोगों की सोच रही है कि सबका साथ सबका विकास का मतलब क्षेत्रीय संतुलन भी होना चाहिए और इसलिए हमारी लगातार कोशिश है कि पूर्वी हिंदुस्तान का विकास हो। उड़ीसा का विकास उसका एक अहम हिस्सा है। आज मुझे कोयला खदान का भी लोकार्पण करने का अवसर मिला है। उड़ीसा भाग्यवान है, उसके पास ब्लैक डायमंड का खजाना है।
प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ के जांजगीर कस्बे में राजमार्ग योजना और रेलवे लाइन सहित 3000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली विभिन्न विकासशील परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं में बिलासपुर पथरापल्ली चार लेन सड़क और बिलासपुर अनूपपुर रेलमार्ग पर तीसरी पटरी शामिल है। 152 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर को मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय अनूपपुर से जोड़ेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जांजगीर में अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे और हस्तकला तथा कृषि क्षेत्र की प्रदर्शनियों को भी देखेंगे। छत्तीसगढ़ का जांजगीर चांपा जिला धान सहित अन्य कृषि उत्पादों के लिए प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में जाना जाता है। यह जिला टसर सिल्क के उत्पादन के लिए भी मशहूर है। प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर यहाँ के लोगों, खासकर किसानों और बुनकरों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले के साथ ही राज्य के दूसरे इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जांजगीर पहुँचे हैं। प्रधानमंत्री अपने जांजगीर प्रवास के दौरान अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। जांजगीर से राजकुमार साहू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मैं विकल्प शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रांची में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी राज्य के कोडरमा और चाईबासा में दो नए चिकित्सा कॉलेजों की नींव भी रखेंगे। कल झारखंड सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साथ लोगों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के उद्देश्य से एक समझौता किया। इससे राज्य के 57 लाख परिवारों को लाभ पहुंचेगा। यह मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है जिससे रोगियों को बेहतर इलाज के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। इसे राष्ट्रीय योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत से भी जोड़ा जा रहा है, जिसकी शुरुआत कल रांची से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। राजेश सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, रांची। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nrc.in पर लॉग कर सकते हैं। अरे बहू, मुन्ना कहाँ है? अम्मा, मुन्ना खेल रहा है अंदर। तुझे जो मुन्ने के पोषण के लिए बात बताई थी याद है ना? हाँ अम्मा, अच्छी तरह से याद है। नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद से शुरुआती 6 महीने सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और 6 महीने के बाद दूध के साथ ऊपरी आहार जैसे दाल चावल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी इत्यादि खिलाना चाहिए। 7 से 8 महीने के बच्चे को 2 कटोरी, 9 से 11 महीने के बच्चे को 3 कटोरी और 12 से 24 महीने के बच्चे को 4 से 5 कटोरी। सही पोषण, देश रोशन। पोषण अभियान के तहत महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गर्भ के 4वें महीने से प्रसव के 6 महीने बाद तक हर माँ ले रोजाना संतुलित भोजन के साथ आयरन की एक लाल गोली। एनीमिया मुक्त भारत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वस्तु और सेवा कर नेटवर्क संबंधी मंत्री समूह की एक बैठक इस समय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में चल रही है। इस समूह के अध्यक्ष बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हैं। बैठक में जीएसटीएन और रिटर्न फाइल करने के लिए अगले वर्ष नए फॉर्म लागू होने के बाद उपयोग में लाए जाने वाले नए सॉफ्टवेयर के कामकाज का जायजा लिया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जीएसटीएन संबंधी तकनीकी मुद्दों की पड़ताल के लिए पिछले वर्ष सितंबर में मंत्री समूह का गठन किया गया था। जीएसटी नेटवर्क के अध्यक्ष और UIADAIA के CEO अजय भूषण पांडे, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के सदस्य और कर्नाटक के कानून मंत्री कृष्ण बैरेगौड़ा और जीएसटी नेटवर्क के निर्वाहन कर रहे इन्फोसिस कंपनी के प्रतिनिधि इस सभा में भाग ले रहे हैं। ऑनलाइन TDS व्यवस्था, ऑनलाइन कर देन प्रक्रिया में सुधार और करदाता के लेन देन की जानकारी बढ़ाने को लेकर मीटिंग में चर्चा हो सकती है। अभी तक जीएसटी नेटवर्क में 1,13,00,000 से ज्यादा करदाताओं ने अपना नाम नामांकित किया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। चीन ने अमेरिका के साथ आगामी व्यापार वार्ता रद्द कर दी है और वो अगले सप्ताह उप प्रधानमंत्री लियू ही को भी अमेरिका नहीं भेजेगा।
सूत्रों के अनुसार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बताया गया है कि श्री लियू की यात्रा से पहले मध्यस्थ प्रतिनिधिमंडल को वाशिंगटन जाना था, लेकिन अब इस दौरे को भी टाल दिया गया है। स्वच्छता के मोर्चे पर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में महाराष्ट्र का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। राज्य को पहले ही खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है। राज्य के ग्रामीण इलाकों में 4 वर्ष पहले तक केवल 49% परिवारों में शौचालय था, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के लागू होने के बाद अब राज्य के ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक परिवार में शौचालय उपलब्ध है। पेश है हमारे औरंगाबाद संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन में इस मिशन ने काफी दर्जात्मक सुधार लाया है। कई गांवों ने घन और तरल कूड़ा व्यवस्थापन को मद्देनजर रखते हुए समुदाय प्रबंधित पर्यावरण स्वच्छता प्रणाली अपनाई है। औरंगाबाद जिला के बिरडा निवासी स्वच्छ भारत मिशन के कार्यकर्ता श्री सांडू जाधव ने बताया कि हमारा गांव स्वच्छ गांव में परावर्तित होने के बाद गांव के लोगों में व्यक्तिगत स्वच्छता व्यवहार में काफी सुधार आया है। हमारा गांव ग्राम स्वच्छता अभियान में औरंगाबाद जिले से तीसरे नंबर पर आया है। हमने गांव में आरओ प्लांट के जरिए लोगों को शुद्ध फिल्टर पानी देने का काम किया। गांव के आसपास कूड़ा था, उसको श्रमदान के जरिए साफ किया। हमारे पूरे गांव में ड्रेनेज लाइन है और ड्रेनेज की वजह से 100% शौचालय बनवाए है। खेतों में रहने वाले लोगों ने शौच गड्ढे के जरिए शौचालय का उपयोग करते हैं। गांव में गली गली कचरा कूड़ा संकलन कचरा कुंडी के जरिए होता है। हमारे गांव को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता और हर किसी के द्वारा उनके उपयोग की स्थिति में सुधार लाने में स्वच्छ भारत मिशन सफल हुआ है। पोषण, उत्पादकता, महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने में भी इसकी मदद हो रही है। रमेश दयवाए, आकाशवाणी समाचार, औरंगाबाद। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ओ, चिप्स खत्म हो गया? कोई नहीं, रैपर कमरे में फेंक दो। अरे बंटी, टॉयलेट जाना है? अरे बालकनी में चले जाओ। निर्मला, इतनी सफाई क्यों? कचरा ही तो है, पड़ा रहने दो। ऐसा नजारा घर में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पूरे देश में देखने को मिलता है। खुद से पूछिए, क्या ये देश आपका घर नहीं, और क्या इसकी सफाई आपकी जिम्मेदारी नहीं? आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में अपने शहर को आगे बढ़ाएं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। रीमा दास निर्देशित असमिया फिल्म विलेज रॉकस्टार्स ऑस्कर 2019 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि होगी। भारतीय फिल्म परिसंघ एफएफआई के अखिल भारतीय निर्णायक मंडल ने आज मुंबई में ये घोषणा की। कन्नड़ निर्माता राजेंद्र सिंह बाबू निर्णायक मंडल के अध्यक्ष थे। विलेज रॉकस्टार्स ऐसे बच्चों की कहानी है जो गरीब हैं, लेकिन उनमें ऊर्जा भरी हुई है। इस फिल्म को 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला था। भारतीय साइकिलिस्टों ने 5वें ट्रैक एशिया कप के पहले दिन आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य सहित 7 पदक जीते। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मेजबान टीम ने शानदार शुरुआत की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि भाषाएं लोगों को जोड़ती हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि हिंदी प्रचार सभा ने लगभग 20,000 हिंदी अभियानकर्ताओं का नेटवर्क विकसित किया है। उन्होंने कहा कि हर एक भारतीय को अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त एक अन्य भारतीय भाषा को भी सीखना चाहिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल से शुरू होने वाली प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश में स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। श्री मोदी ने ओडिशा में झारसुगड़ा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री दोपहर बाद छत्तीसगढ़ में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वस्तु और सेवा कर नेटवर्क संबंधी मंत्री समूह की बैठक बेंगलुरु में चल रही है। चीन ने अमेरिका के साथ आगामी व्यापार वार्ता रद्द कर दी है। उप प्रधानमंत्री अगले सप्ताह वाशिंगटन दौरे पर भी नहीं जाएंगे। असमिया फिल्म विलेज रॉकस्टार्स ऑस्कर अवार्ड 2019 के लिए भेजी जाएगी और भारतीय साइकिलिस्टों ने दिल्ली में ट्रैक एशिया कप में 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।